الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. एक सवाल है उस रकम के बारे में जो मुलाजिम की कटती है, मुलाजिम की जो रकमें कटती हैं वो दो तरह की, एक वो है जो जबरी कटती है, कंपल्सरी करती मुलाजिम का उसमें कोई इख्तियार नहीं है, वो चाहे कि न कटे उसका कोई इख्तियार नहीं है, कटेगी और कटने के बाद मुद्दत मुलाजिमत खत्म होने से पहले मिलेगी भी नहीं, ले भी नहीं सकते. ऐसी रकम का मालिक नहीं हो, चाहे उसकी तनख्वाह के जुज के तौर पर काफी गई है मगर वो उसका मालिक नहीं हुआ, वो उसका मालिक होगा जब उसे मिलेगी. बस इस मुद्दत की ज़कात का तो मसला ही नहीं. और फर्ज करो कि जब मिले तो डबल होकर मिले तो वो सूद नहीं, क्यों उस रकम का मालिक ही नहीं हुआ. एक उसकी और नजीर ले लो, एक मुकदमा जमीन का था, जमीन ने हुकूमत ने जमीन एक्वायर की, एक्वायर करते तो जबरदस्ती ले लेगी, उसकी एक कीमत थी, जमीन वाले ने मुकदमा कर दिया कि कीमत कम है तो मुकदमा चले, जमीन तो गई, जो मुआवजा मिलना था वो मिल गया. अब उसने मुकदमा किया कि मुआवजा कम है तो मुकदमा 25 साल चला, फिर कोर्ट ने डिक्री की कि हाँ भाई ये मुआवजा कम है, इतना ज्यादा मुआवजा दिया है, मुआवजा बढ़ाया, कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाया, ये बढ़ा हुआ मुआवजा 25 साल के सूद के साथ मिलेगा. गोया जब से जमीन इक्वायर हुई तब से उसकी कीमत में ये इजाफा हुआ, और उसकी कीमत में जब इजाफा हुआ तो गवर्नमेंट ने वो इजाफा रोक रखा, लिहाजा सूद के तो बनियों की हुकूमत है. हमारे हिंदुस्तान का कानून मैं बतला रहा, आपके मुल्क का कानून मुझे नहीं मालूम. हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत बनियों की हुकूमत, हिंदुओं की हुकूमत, हर चीज में सूद 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 के बगैर नवाला भी नहीं उठाते. तो अब उनका कायदा है कि जब इक्वायर हुई थी जमीन तो मसलन 100 रुपए फीट होनी चाहिए थी मगर 75 रुपए फीट मुआवजा अदा किया गया, तो ये 25 रुपए जो जायद मुआवजा है वो बैंक फैसला कोर्ट फैसला करेगी, और जब फैसला करेगी तो उस दिन से जिस दिन से इक्वायर हुई उस वक्त उससे वो 25% सूद के साथ आज मिलेगा. ओलमा ने फतवा दिया ये सूद नहीं, क्यों वो 25% हमारे कब्जे में नहीं है, हम उसके मालिक ही नहीं हुए, तो वो तो कहते हैं हमने 25% सूद के साथ दिए, हम कहते हैं नहीं हमें 40% मिला. ये तू यूं समझ, हम यूं समझे, वो तो ये समझ रहा है कि 25% हमने बढ़ा कर दिया और उस पर सूद दिया तो मजमुआ 40% हो गया. तो यूं समझ, हम यूं समझते हैं कि हमें 40% मुआवजा मिला, 25% नहीं मिला. केरल मुफ्ती ने के राम का इस सूरत के बारे में फतवा है कि सूद नहीं. इसी तरह की एक सूरत और है, हुकूमत लोन देती है और उसको सब्सिडी देती है. मैंने एक शख्स को भैंस खरीदनी है, कुआं बनाना है,
तो हुकूमत लोन देगी, भैंस खरीदने के लिए मसलन 10,000 रुपए लोन लिए, अब तो 1,00,000 में भैंस आती है, ऐसे मिसाल दे रहा हूं, 10 रुपए लोन लिए, 10,000 रुपए लोन लिया, वो 10,000 रुपए भैंस खरीदे, उसमें से वो 40% छोड़ देगा, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी कहते हैं, 40% माफ कर दिया, तो 10,000 में से 6,000 तो 4,000 तो माफ हो गए। अब जो 6,000 बचे वो लोन के साथ ले, लोन नहीं, वो जो 4,000 बचे इसे सूद के साथ ले, लोन तो नाम है सूद पर कर्ज लेने का, सूद का नाम उर्दू में तो सूद है, पता नहीं आप लोगों के क्या नाम है, इंटरेस्ट मुझे भी मालूम था कि जहन में नहीं है, हमारे उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटरेस्ट, तो 6,000 तो असल, 4,000 माफ और 6,000 इंटरेस्ट के साथ लेकर, तो टोटल कितना होगा, 9,500 देने पड़े, 6,000 सूद के साथ 9,500 देने पड़े, तो मुफ्तियों ने कहा ये जाइए, वो ये समझती है गवर्नमेंट कि हमने 6,000 सूद के साथ लिए, हम तो समझते हैं कि हमने 10,000 कर्जा लिया था, 9,500 वापस किया, 50,500 माफ हो गए, वो अपना समझे हम अपना समझे, उलमा ने इसके बारे में फतवा दे के सूद नहीं, अगर सब्सिडी के बाद जो बाकी रकम है वो सूद के साथ असल रकम से न बढ़े, उससे कम रहे, तो ये सूद नहीं। इसी तरह से मैं ये मसला बयान कर रहा हूं कि मुलाजिम की तनख्वाह में से जो रकम काटी गई है उसके दो तरफ है, एक काटी गई उसमें उसका इख्तियार है या नहीं, कटने के बाद उसमें इख्तियार है या नहीं, दोनों तरफ इख्तियार नहीं, मुद्दत मुकर्रा पर मिलेगी और डबल होकर मिलेगी, तो उस पर ज़कात भी नहीं है और वो जो डबल होकर मिलती है सूद भी नहीं, क्योंकि ये रकम हमारी तनख्वाह में से ये रकम हमारे कब्जे में आई ही नहीं, जबरदस्ती उसने काट लिए और फिर हमारा कोई उस पर इख्तियार दखल भी नहीं रहा। इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो कटता है मुलाजिमों का, उसमें यही जरूरत होती है कि इख्तियार नहीं होता, वो लामहाला कटेगा और कटने के बाद उस रकम पर कोई इख्तियार नहीं है लेने का, वो मुकर्रा वक्त पर डबल होकर मिलेगी और गवर्नमेंट ये प्रोविडेंट फंड कटा है उससे बैंक में रख देती है, प्रोविडेंट फंड बैंक में जमा रहना जरूरी है और वो जो डबल बनाएगा वो बैंक सूद देकर उसे डबल बनाएगा। अब समझो मेरे भाई, अगर आपका इख्तियार है कटवाने में या कटवाने में तो इख्तियार नहीं है लेने में, या दोनों तरफ इख्तियार है, कटवाने में भी इख्तियार है लेने में भी इख्तियार है, या कटवाने में इख्तियार है लेने का इख्तियार नहीं, या कटवाने का इख्तियार नहीं लेने का इख्तियार है, ये दो तरफ थे, उसमें से दोनों तरफ इख्तियार है या किसी एक तरफ इख्तियार है, कटी हमारी मर्जी से कटी, हमारी रजामंदी से कटी या ऑटोमेटिकली कटी, फिर कटी वो रकम जमा हुई उसमें से हम जरूरत के लिए ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले सकते तो कटी रजामंदी से कटी और जरूरत के वक्त ले भी सकते हैं, या जरूरत या रजामंदी से कटी मगर ले नहीं सकते, या कंपलसरी कटी मगर ले सकते हैं, तो फिर उस पर ज़कात आएगी और वो डबल होकर मिलेगी तो सूद है, उस पर ज़कात आएगी, हर साल की ज़कात अदा करनी है, क्योंकि आपकी मर्जी से कटी है, आपने गोया बक्से में रखी है, आपने गोया बैंक में रखी है, आपकी मर्जी से अब बक्स में रखिए, क्या अभी गुम हो गई,
सृष्टि हमने है, मगर क्या अपनी भूमि को भी। मैं आ रहा था दिल्ली इमिग्रेशन में, मेरे पास चला था बॉक्स था, उसकी चाबी हुसैन मियाँ के पास रह गई, उसने बचाली, तो कहना खोलो, उसमें शिविंग मशीन थी, उसको शक हो, उसने कहा खोलो, मैंने चाबी नहीं है, तोड़ गई थे, और उसके तोड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं। तो फिर उसने कहा कि एक लंबा लंबा क्या है, तो मैंने कहा कि उसमें शिविंग मशीन है, कह दिया। फिर उसने कहा खो दोबारा, और फिर उसने देखा और देख कर कहा चलो आगे बढ़ो। तो बक्से में हमने पैसे रखे थे, चाबी गुम हो गई, रखे तो हमने मर्जी से, मगर हम चाबी गुम हो गई नहीं मिल रहे। प्यारा सूरत को समझो, दो तरफ है, कटवाना कटवाने वाला जमाशुदा में से लेना न लेना, अगर दोनों तरफ इख्तियार है, मर्जी से कटवाए, हम चाहें तो करते हैं, हम नहीं करते, मर्जी से नहीं करता, कंपल्सरी करता है, मगर ले सकते हैं, या दोनों तरफ ले नहीं सकते, मर्जी से कटा है। आपके दारुल देवबंद में पहले प्रोविडेंट फंड कटता, मैं जब नया नया मुद्रिस्ट होकर आया तो प्रोविडेंट फंड कटता, तो कंपल्सरी कटता, उनमें से कटा भी जबरदस्ती ले भी नहीं सकते। ये दारुल देवबंद में दस्तूर था, बात भी ये मसला छिला कि ये जो मुलाजिमीन की रकमें जमा हैं, इन रकमों पर ज़कात है या नहीं, तो इस खिलाफ हो गए मुफ्तियों ने। तो फिर दारुल उलूम ने उस प्रोविडेंट फंड को वेलफेयर फंड बना दिए, फंड ही बना दिए वेलफेयर फंड, तुम्हारी मर्जी होगी तो कटेगा, तुमने दरख्वास्त दे दी मुझे वेलफेयर नहीं कटवा, नहीं कटो, नहीं कटेगा, पूरी दरख्वास्त मिल गया। फिर वो जो रकम डबल होती है उसे तनख्वाह ही में डबल कर दिया जाता है, अभी से डबल, मसलन वेलफेयर फंड 35 रुपए का था तो दूसरा खाना होगा उसमें इजाफा 35 रुपए और, तो 35 रुपए जो डबल होना है वो अभी इजाफा करके अब 70 रुपए कट गया, और 70 रुपए जमा, अब ज़कात देनी है हर मुलाजिम को, और हर एक को कापी दे दी कि मुहर्रम में ये कापी मुहासबे में दाखिल करो, वहां से भी तुम्हें लिख कर देगी कि इस साल में तुम्हारी इतनी रकम जमा हुई है। अब वो हमारी मर्जी से कटती है, मुलाजिमीन की मर्जी से कटती है, और कोई न कटवाना चाहे न कटवाना चाहे, एक दो मुलाजिम हर एक कटवाता है, इसलिए तो फायदा है, बचत करने में फायदा है, लेकिन एक दो मुलाजिमीन ऐसे नहीं कटवाते, नहीं कटवाते, नहीं कटेगी, या फिर जिसका कटा वो उसका 80% कर्जा ले सकता है। मेरे 100 रुपए जमा है तो मैं 80 रुपए कर्जा ले सकता हूं, 100 के 100 नहीं ले सकता, और ये 80 रुपए मैं कर्जा लूंगा, ये मुझे 20 किस्तों में वापस करना है, अगली तनख्वाहों में से कटेगा, और 20 किस्तों में यानी 2 साल में मोहर ईद के 2 महीनों में नहीं कटेगी किस्त, क्योंकि ईद के 2 महीनों में खर्चा बढ़ जाता है, तो इसलिए ईद के 2 महीनों में नहीं कटेगी, और बाकी दिनों में उसका कटेगा, जो उसने 80 रुपए लिए हैं वो 20 किस्तों में उससे कट कर भी जमा हो जाए, जब पूरे जमा हो जाए अब फिर तुम चाहो 80% कर्जा लेना ले लो। अभी हमने कर्जा पूरा जमा नहीं किया, थोड़ा सा बाकी था, हमें फिर कर्जे की जरूरत पड़ी, तो जो बाकी कर्जा है वो अदा करो, जमा कर दो, जमा करके फिर उठा लो। बहरहाल वो दारुल देवबंद में जो मुलाजमीन की वेलफेयर की रकम है वो सब मुलाजमीन कर्ज लेते हैं, फिर वापस होती है 20 किस्तों में वापस होती है, और कटवाना न कटवाना उनकी मर्जी पर है, इसलिए उसमें ज़कात हर साल की वाजिब है। बाकायदा हर मुलाजिम को किताब बनाकर, बुक बनाकर
तो मुहर्रम में मुहासरे में दाखिल करो, वो तुम्हें लिख कर देंगे कि तुम्हारी इतनी रकम जमा है उसकी तुम्हें जगह देनी है। बस मैंने फायदा कुल्ली यह समझाया कि कटना भी गैर इख्तियार और लेना भी ले भी नहीं सकते, वो रकम कब्जे में आई नहीं, उस पर ज़कात वाजिब नहीं और वो डबल होकर मिले तो सूद नहीं है। कटवाना इख्तियारी है, आपने अपने इख्तियार से कटवा दिया मगर ले नहीं सकते, या कंपल्सरी कटा मगर ले सकते, या दोनों तरफ इख्तियार है। तो ये रकम आपकी है, आपकी मिल्कियत में है और उसमें ज़कात भी वाजिब है और वो डबल होकर मिलेगी तो सूद है। इसलिए आलम देवन जस्ट अभी डबल कर देता है और डबल पर दस्तखत करवाता है और फिर डबल काटता है, तो भैया वो जो 35 रुपए आपके कटे उससे दारुल ने जो 35 रुपए दिए वो अभी दे दिए और वो आपके हो गए, आपने उसको दस्तखत कर दिए उसूली पर, फिर 70 रुपए कट गए वो आपके 70। तो बाद में डबल करके रहने का मसला खत्म हो गया क्योंकि वो सूद था। बस ये भाई जो पूछ रहे हैं, इस मैंने जो मिसाल कायदा बताया इस कायदे पर रिकॉर्डिंग कर ले, वो ये पूछते हैं यहाँ सरकारी मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड मिलता है जो कि सरकार आपकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर आपको देती है, सर प्रोविडेंट फंड जबरी कटता है, उसमें इख्तियार नहीं है, हम चाहें तो कटवाएं न चाहें तो न कटवाएं, इख्तियार नहीं, और कटवाने कटने के बाद फिर उसको ले नहीं सकते, इस्तीफादा नहीं कर सकते उसे। हर साल सरकार इत्तला करती है कि आपकी रकम अंदाज में इतनी होगी, ये रकम मार्केट में इन्वेस्ट है, जैसे ये मार्केट में इन्वेस्ट है, हमारे हिंदुस्तान में कानून ये है कि प्रोविडेंट फंड आपको बैंक में रखना है और बैंक उसे इंटरेस्ट देगी, उससे बढ़ेगा वो डबल होगा और नफा नुकसान भी होता है ऐसी रकम के लिए जो कि आपके है लेकिन आपकी खर्च नहीं कर सकते, आपके क्या हुक्म होगा हर साल इतना दी जाने वाली रकम का। मैंने कायदा बदला दिया, कायदे को फैलाओ कुल्लीय कायदा, और दार्लुम ने प्रोविडेंट फंड का सिस्टम वेलफेयर फंड से बदला ही इसलिए, एक तो ज़कात का मसला खड़ा होगा, दूसरा जो डबल करेंगे वो सूद का मसला खड़ा होगा, तो वेलफेयर फंड कर दिया और डबल करके ही तनख्वाह में शामिल करके काट लिए, और लेने का इख्तियार है, अगर कोई न कटवाना चाहे तो नहीं कटेगा। इस्तेकामत क्या है और उसको किस तरह हासिल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल रमजान का महीना चल रहा है, हर आदमी सूफी बना हुआ है, मगर इसके बाद कुछ नहीं लिखा। ये सवाल भी किसी सूफी का है, हर आदमी सूफी बना हुआ है इसका मतलब कि लिखने वाला भी कुछ सूफी है, अलबत्ता ये कम्प्लीटली सूफी है, 12 महीने का सूफी है, और दूसरों को जिन पर तंकीद करता है वो पार्शियली सूफी है, महीने भर के सूफी है, 11 महीने के सूफी नहीं है, और ये कम्प्लीटली सूफी है। खैर हमें इसे क्या लेना है, हमें तो सवाल का जवाब देना है। मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब कुरान में आया है, कुरान में आया है सूरह हूद में, फस्तकिम कमा उमिर्त, कमा उमिर्त, ये फस्तकिम का जवाब, सीधा चल, फस्तकिम माने सीधा चल, सीधा रह, जैसा तो हुक्म दिया गया, इर्शाद है, सब कुछ आ गया इसमें, दरिया बकूजा अंदर, सारा समंदर सी कूजे में मुस्कुराजी में आ गया है, बस तथ कमा उम्मीद। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर हयात में चंद बाल सफेद हुए थे,
इसको कहते हैं अनफका, रीश बच्ची। ये जो कहती है रीश बच्ची उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं रीश अनफका। चंद बार तो यहां सुफेद हुए थे, इस रीश बच्ची में हुजूर के चंद बार सुफेद हुए थे। और ये हिस्सा जो कन पट्टी है, शुद्ध गुण, अरबी में शुद्ध गुण कहते कन पट्टी, कुछ बाल यहां सुफेद हुए थे। और हजरत हुजूर के खादिम हैं हजरत अनस। खादिम बहुत करीब होता है। उन्होंने गिनकर बताया है कि 17 बार सुफेद हुए। आप हजरात दूर दूर हैं तो गिन नहीं सकते, लेकिन खादिम बहुत करीब हो जाता है कभी। मसलन मेरा खादिम है, मेरे बटन लगाता है तो बिल्कुल मेरे मुंह के करीब होता है, वो गिन सकता है। तो हजरत अनस हुजूर के खादिम से 10 साल खादिम रहे हैं। उन्होंने बतलाया कि कनपट्टी और रीछ बच्ची में 17 बाल सुफेद हुए। उस जमाने की उम्र के एतबार से और कोवा और सेहत के एतबार से, हुजूर के जो कोवा थे वो जो सेहत थी हेल्थ थी उसके एतबार से ये बाल सुफेद नहीं होने चाहिए थे, हो गए। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कद शिबत, या रसूलल्लाह आपका तो बुढ़ापा जाहिर होने लगा। हालांकि उस जमाने की उम्र और उस जमाने की हेल्थ के एतबार से बाल सुफेद नहीं होने चाहिए। तो पूछा सहाबा ने या रसूलल्लाह कद शिबत, आपका तो बुढ़ापा जाहिर होने लगा। तो हुजूर ने फरमाया शय बतनी हूदू वकदा वकदा। हुजूर ने फरमाया सूर्य हूद ने और फुला सूरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। सूर्य हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, फुला और फुला सूरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। हदीस पूरी हुई। अब शारही ने हदीस ओलमा घुसे, सूर्य हूद ने घुसे, फला सूरत ने घुसे कि इन सूरतों में वो कौन सा ऐसा हुक्म है जो इतना भारी हुआ कि हुजूर को बुढ़ापा आ लगा। तो बोला हाँ घुसे, तो सूर्य हुद में घुसे तो ढूंढ कर ये आयत लाए कि सूर्य हुद में जो आयत है फस्तकिम कमा उमिर था, ये इतना भारी हुक्म है कि इसने हुजूर को बुढ़ा कर दिया। सीधा रह, लगभग कितना तर्जमा, बिल्कुल वाज़े तर्जमा, सीधा रह, सीधा चल, जैसा तुझे हुक्म दिया है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसी का मजमूआ कुरान और हदीस। और नहीं ये भी हुक्म है, ममानियत ये भी हुक्म है, नमाज पढ़ ये भी हुक्म, शराब मत पी ये भी हुक्म है। तो सारा कुरान और सारी हदीसें इसमें शामिल होगी, जैसा तुझे हुक्म दिया गया है ऐसा चल, ऐसा सीधा रह, सीधा चल। जब ये पूछता भाई कि इस्तकामत क्या है, इस्तकामत यही है पूरी शरीयत पर अमल। थोड़ी बहुत कोई कोताही हो जाए तो कोताही कायम में हुई, मुस्तहब आदाब में हुई, मुस्तहबात में हुई, सुन्नतों में हुई, वाजिबात में हुई, फराइज में हुई। कोताहियों के एतबार से किस लाइन में कोताहियां हुई उसके एतबार से मसला बनेगा। आदाब में कोताही हुई नौ बराबर, जैसे ऊंची जगह बैठकर वुजू करना चाहिए। बस अगर कोई खड़े खड़े वॉश बेसिन में वुजू करे करे, लेकिन ऊंची जगह बैठकर वुजू करना चाहिए, उसका मिस्टेक बनाना बहुत मुश्किल।
और पैर उठाकर उसमें धोना ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये ऊंची जगह पर बैठकर वुजू करना नहीं, ऊंची जगह बैठकर वुजू करना, किबले की तरफ मुंह करके वुजू करना, उसका मकसद ये है कि कपड़ों को छींटे न पड़े। ऊंची जगह पर बैठकर आपने वुजू कर रहा था, कपड़ों पर कोई छींटा नहीं पड़ेगा, शरीर से आते हुए वॉश बेसन पर आप वुजू करेंगे तो सर का मसा करते करते चौथाई कुर्ता भीग चुका होगा, इतने छींटे पड़ेंगे। और पैर उठा करके जो लोग धोते हैं वो तो बेतमीज हैं, उनको तमीज ही नहीं है, वो चेहरा हाथ धोने के लिए, टांगे धोने के लिए बेसन नहीं है। यहां की पब्लिक इस चीज को जानती है, जो सरकारी गवर्नमेंट के बेसन बने हुए पैर धोएंगे उसको माइन करते हैं, चेहरा हाथ धोइए थूटी कोई हरज नहीं, पैर धोने को माइन करते हैं। बल्कि हमारे बाद हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर, न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पर बाकायदा मस्जिद जो पर रूम बना है उसके साथ बैठकर वुजू करने की जगह बना रखी है, और वहीं वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। अगर कोई वॉश बेसिन में पैर धोता है तो उसको सब एहतराम करते, भाई वुजू की जगह बनाए बैठते वुजू करो। ये जो हमारे यहां तरीका चल पड़ा है तो टांगे उठाई और धो लिए तो बेसलीका तो सलीके की बात है। मसे रात तक अगर आप खड़े खड़े वुजू करें तो कितना बड़ा बड़ा, लेकिन फिर भी जो ऊंची जगह बैठकर वुजू करना है उस हुक्म में नहीं आता। ऊंची जगह बैठकर वुजू करने का मकसद ये है कि बिल्कुल आपके कपड़ों पर माए मुस्तामल का कोई छींटा न गिरे, ये आदाब में से। किबले की तरफ मुंह करके बैठकर वुजू करना आदाब में से। वुजू करते वक्त किसी से दुनियावी बातें न करना आदाब में से। दुनियावी बातें मत करो, जिक्र करना हो करो, न करना हो न करो, मगर दुनियावी बातें मत करो। किबले की तरफ मुंह करो, ऊंची जगह बैठकर वुजू करो, ये आदाब है। अगर आप उसका इसकी रियायत करें सुभान अल्लाह, हसन हो हसन करें सुभान अल्लाह, न करें कोई बात नहीं। अदब इसको कहते हैं, अदब की ये तारीफ है, मा फ़अलहु हसनन, मा फ़अलहु युहमद वज़म्मु वतरकुहु ला युज़म्मु ला युहमद। अदब वो काम है कि अगर आप करें तो तारीफ किया जाए, बहुत अच्छा किया, न करें तो बुराई न की जाए, यानी करेंगे सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे कोई गुनाह नहीं। बस अगर आपने शरीयत के अहकाम में से आदाब में कोताही की है तो नो प्रॉब्लम, फिर उससे ऊपर मंदूबात है मुस्तहबात है, मुस्तहब और मंदूब एक चीज है। मुस्तहबात और मंदूबात में शरीयत की डिमांड ये है तो करो, आदाब में डिमांड नहीं है। अदब बतला है कि अदब ये है, करो ना करो, बतला दिया था अदब ये है, सलीका के बात ये है, इस्लामी सलीका। और मुस्तहब और मंदूब में डिमांड है कि काम करो, और करोगे लड्डू मिलेगा, नहीं करोगे जूत नहीं बजेगा, ऐसे अहकाम मुस्तहब और मंदूब कहलाते हैं। करो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे कोई गुनाह नहीं होगा, और जब सवाब मिलेगा तो शरीयत की डिमांड ये कि करो, इसे करना चाहिए। पर अगर कोई न करे तो गुनाह कुछ नहीं। ऐसे मुस्तहबात मसलन दाएं हाथ से खाना ये मुस्तहब है, अगर दाएं बाएं हाथ से आप खाएंगे खाओ तो गुनाह नहीं, लेकिन शैतान बाएं हाथ से खाता है। दाएं हाथ से खाने का डिमांड है कि मुसलमान को दाएं हाथ से ही करना है, कोई मजबूरी में बाएं हाथ से खाए वो अलग मसला है,
बाकी दाएं हाथ से ही खाना है और दाएं हाथ से खाने पर सवाब मिले। दाएं पैर में जूता पहले पहनना, पाए इजार पहनो तो दाएं पांचे में पैर पहले डालना, कुर्ता पहनो तो दाएं आस्तीन में पैर पहले डालना, ये सब मुस्तहब बात है। करोगे सवाब मिलेगा, नहीं करोगे कोई गुनाह नहीं होगा। और शरीयत चाहती है कि मोमिनीन ये काम करें, डिमांड है कि ये काम करो। तो अगर किसी ने मंदूबात में मुस्तहबात में कोताही की है तो अपना नुकसान किया, सवाब जो मिलना था वो सवाब रह गया उसका, अपना नुकसान किया। फिर उससे ऊपर है सुन्नत। सुन्नत की बाल हजरात ने तकसीम की है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। ये सुन्नत के गैर मुअक्कदा है, इसी को मैंने कहा ये मुस्तहबात और मुस्तहबात है, मंदूबात। मंदूबात और मुस्तहबात जो हैं ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, इसलिए मैं सुन्नत की तकसीम नहीं कर रहा। सुन्नत से मुराद सुन्नत मुअक्कदा, जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है वही मंदूबात और मुस्तहबात है। सुन्नत मुअक्कदा में स्ट्रांग डिमांड है करो, मुतालबा कभी मुतालबा तीराम करो, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन हमेशा नहीं करोगे तो गुनाह होगा। गाह बगाह नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं, तो हमेशा नहीं करोगे तो गुनाह होगा। जैसे रात दिन में 12 रकअतें सुनने मुअक्कदा है, स्ट्रांग मुतालबा है कि 12 सुन्नतें हो। हमारे नजदीक 12 है, शवाब के मालिक या नजदीक 10 है, और इख्तिलाफ इसमें हुआ है कि जोहर से पहले 2 सुन्नतें हैं या 4 हैं। हमारे नजदीक 4 हैं, दूसरे नजदीक 2 हैं, और दोनों हदीसें सही हैं। 10 सुन्नत मुअक्कदा की रिवायत भी आला दर्जे की सही है, 12 की रिवायत भी आला दर्जे की सही है। जब दोनों सही हैं तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने 10 वाली रिवायत क्यों ली, इमाम अबू हनीफा ने 12 वाली रिवायत क्यों ली? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने 10 वाली रिवायत ली तो वो एक कायदा तय करके आए हैं, सलात की लैल मतना मतना, रात दिन में नफल 2 रकअतें एक सलाम से अफजल। तो 12 वाली लेंगे तो जोहर से पहले 4 सुन्नतें एक सलाम से माननी पड़ेंगी, वो उनके उसूल के खिलाफ। तो उन्होंने 10 रकात वाली ली। और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने कहा कि 10 और 12 ये छोटे बड़े फिगर हैं, बड़ा फिगर ले लो तो छोटा फिगर खुद ही आएगा, उसमें दोनों फिगर हैं। फिर 10 वाली रिवायत लोगे और 12 वाली रिवायत लोगे तो 12 वाली रिवायत में फायदा है, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। इसलिए इमाम अबू हनीफा ने 12, जब भी रिवायतों में इख्तिलाफ होता है तो इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का मिजाज ये है कि वो रिवायत लेते हैं जिसमें इबादत ज्यादा है। वो रिवायत इमाम आजम लेते हैं, और मामलात का पहलू, मामलात जब आते हैं कि सौदा यूं करें या यूं करें, रिवायतों में इख्तिलाफ हो जाए जायज ना जायज, तो इमाम अबू हनीफा वो रिवायत लेंगे जिसमें इंसाफ ज्यादा है, क्योंकि मामलात का मदार इंसाफ पर है। तो जिस रिवायत के लेने में इंसाफ ज्यादा है इमाम आजम वो रिवायत लेंगे, और खाने पीने की चीजों में रिवायतों में इख्तिलाफ हो जाए तो इमाम अबू हनीफा वो रिवायत लेंगे जिसमें एहतियात ज्यादा है। अजीब उसूल है। इबादत की रिवायत, नमाज रोजा ज़कात हज ये इबादत, इन इबादत में अगर रिवायत में किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो इमाम अबू हनीफा वो रिवायत लेंगे जो जिसमें इबादत ज्यादा है। और मामलात बिजनेस ट्रेडनी बिजनेस सब मामला
उसमें अगर किसी मसले में रिवायतों में इख्तिलाफ हो जाए तो इमाम आजम वो रिवायत लेंगे जिसमें अदल और इंसाफ ज्यादा है, इसलिए कि मामलात का मदार ही अदल और इंसाफ पर है। और खाने पीने की चीजों में रिवायतें मुख्तलिफ हो जाए, एक रिवायत कहती है घोड़ा हलाल, दूसरी रिवायत कहती घोड़ा हराम, एक रिवायत कहती गो हलाल, दूसरी रिवायत कहती गो हराम, एक रिवायत कहती है समंदर का हर जानवर हलाल, दूसरी रिवायत कहती है कि समंदर की सिर्फ मछली हलाल। ऐसी जगह पर जब रिवायतों में इख्तिलाफ हो जाए तो इमाम आजम वो रिवायत लेते जिसमें एहतियात ज्यादा होती है। ये इमाम आजम का एक उसूल है। उस उसूल के पेश नजर इमाम आजम ने 12 सुन्नत मुअक्कदा की रिवायत को तरजीह दी और हम उसी पर अमल करते हैं। बहरहाल ये जो रात दिन में 12 सुन्नत मुअक्कदा हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा, मुअक्कदा का क्या मतलब? मुअक्कदा का मतलब उसका मुतालबा ज्यादा है, स्ट्रांग मुतालबा है। अगर ये सुन्नतें गाह बगाह छोड़ देगा तो कोई बात नहीं, और एक शख्स आदी है सुन्नत मौकदा न पढ़ने का तो गुनहगार होगा। दूर मुख्तार ने सराहत है कि अगर कोई शख्स सुन्नत मौकदा छोड़ने का आदी हो तो असीमा गुनहगार होगा। बहरहाल पूरी शरीयत में से जो सुन्नत मौकदा है उनमें कोताही करेगा तो ये हुक्म है, उससे ऊपर वाजिबात हैं, वाजिबात में कोताही करेगा तो कंपलसरी उसकी तलाफी करनी है। वाजिबात की तलाफी करनी है, जैसे वितर नहीं पड़े तो कजा करो, सदकतुल फित्र नहीं दिया तो लो, ईद उल फित्र नहीं पड़े तो गए, इसकी कजा की कोई सूरत नहीं, उसका बदल नहीं है, वाजिब का कोई बदल नहीं, वाजिब का बदल वाजिब ही, वाजिब को वक्त में अदा करो, वक्त में अदा ना कर सको दूसरे वक्त में अदा करो, जैसे वितर के लिए पूरी जिंदगी में अदा करो अगर वाजिब वितर रह गए, और ईदेन के लिए मुकर्रा वक्त है उसी में ईदेन पढ़ने हैं, जुम्मा मुकर्रा वक्त है उसी में पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ा तो जोहर कजा करो, और ईदेन की कोई कजा नहीं। बहरहाल वाजिब की तलाफी करनी, अगर कोई नहीं करेगा तो आखिर उसमें जूत बजेगा, सजा मिलेगी उसको, फिर उससे ऊपर फर्ज है, फराइज है, फराइज बहुत थोड़े हैं, अल्लाह की शरीयत में फराइज बहुत थोड़े हैं। ये तो पॉजिटिव, नेगेटिव, कबीरा गुना बहुत थोड़े हैं। हदीस शरीफ में फरमाया इत्तकु सबल मुबिकात, ऐसे सात गुनाहों से बचो जो तबाह करके रख देने वाले हैं। तो कबाइर बहुत हैं, लेकिन बहुत संगीन जो कबाइर हैं, जो मोहलिकात हैं, आदमी को तबाह करके रख देने वाले हैं, वो सात हैं। तो इधर सात हैं तो इधर भी सात ही फराइज हैं, मिसाल के तौर पर मैं गिनकर नहीं बता रहा, फराइज बहुत थोड़े हैं जैसे कबाइर बहुत थोड़े हैं, मगर दोखूल जन्नत में दोखूल अव्वली का मदार इन पर है। जन्नत में दोखूल दो तरह का है, एक मरे और जन्नत में पहुंचे, एक कपड़े उतरे और धोबी के यहां पहुंचे, भट्टी में जले, पत्थर पर कूटे पीटे गए, सुखाए गए, आयन फेरी, फिर वापस आए, अब बदन पर चढ़े, उससे पहले बदन पर नहीं चढ़ेंगे, ये मैले कपड़े उतरे हैं ये बदन पर नहीं चढ़ेंगे, पहले धोबी के भट्टी में जलेंगे। ये भी दुखद कि पहले जहन्नम में जाओ, अपने गुनाहों की सजा पाओ, फिर छुट्टी जब मिले तब जन्नत में आओ,
इसको हम कहते हैं जन्नत का दुखूल सानवी, दूसरे दर्जे का दुखूल। और वो पहला दुखूल है तो मरे और जन्नत में पहुंचे, दुखूल है वो ली। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा ने हुज्जतुल्लाह बालिगा ने इसमे सानी के बिल्कुल शुरू में जहां बुनियल इस्लाम वाला खमसिन की हदीस की शरह की है, वहां हजरत ने बात बयान की है कि जन्नत का दुखूल अव्वली मौकूफ है अकायद सही, फराइज की पाबंदी, कबाइर से बचा, जिसके अकीदे सही हैं, अहलुस सुन्ना वल जमा के जो अकीदे वो सही हैं, उनके अलावा जो दूसरे फिरते हैं मुसलमानों में, चाहे वो मुसलमान न हो, जैसे कादियानी शिया मुसलमान ही नहीं है, उनके अकीदे हों या उन फिरकों के अकीदे हों जो मुसलमान हैं लेकिन गुमराह हैं, उनके अकीदे हैं वो अहले सुन्ना वल जमा के अकीदे नहीं है। अहले सुन्ना वल जमा के जो अकीदे हैं वही सही अकीदे हैं, नजात के लिए ये अकीदे जरूरी हैं। और जो फराइज है उनकी मजबूती के साथ अमल, कभी कोई फर्ज न छूटा हो, और कबाइर अगर फर्ज न छूटा हो, छूटा हो तो उसकी तलाफी कर दी, कबाइर से बचा रहा हो, अगर कोई कबीरा का इंतकाम हुआ है तौबा कर ली हो, तो जन्नत में दुखूल अव्वली नसीब होगा। ये हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा ने मज़मून बयान किया है, मैंने हवाला दिया है कि हुज्जतुल्लाह की किस्मे सानी के बिल्कुल शुरू में जहां बुनियल इस्लाम वाला खमसिन की शरह की है, उसने ये कहा है कि नजात अव्वली का मदार सही अकायद, फराइज की पूरी अदायगी और कबाइर से बचना। जो शख्स इस शख्स को ये चीज हासिल है, उसकी मर के ही नजात होगी, जानना में नहीं जाना पड़ेगा। सवाल कि जो ऐसा बंदा है उससे भी तो कोताहियां हो सकती हैं, छोटे फराइज में, वाजिबात में, सुनन में, मुस्तहबात में अगर कोताही हो सकती उसकी सजाएं उसको दुनिया ही में मिल जाती, सजाएं चार मवातिन में मिलती हैं, इसी दुनिया में सजा मिलती है। चल रहे थे कंकर चुभ गया, कांटा चुभ गया, हाय हाय झुक कर कंकर हटा दिया, कांटा निकाल दिया, एक गुना माफ हो, ये सजा मिली, अरे गुना उस गुना की सजा मिल गई तो गुना माफ हो। फिर जो गुना बाकी रह गए उसकी सजा कब्र में मिलती है, अजाब कब्र इसी गुनाहों के कफारे के लिए। पर हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमान ने एक हदीस लिखी है हुज्जतुल्लाह में जो मुझे नहीं मिली, आज तक उसका हवाला नहीं मिला, लेकिन शाह साहब कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं थे, वो हदीस होगी मेरा जायजा नाफिस। शाह साहब ने ये हदीस लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सर सजा कब्र में निमट जाएगी। उसी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के गुनाहों की अक्सर सजा कब्र में निमट जाएगी, तो कब्र में निमट गई तो आगे कोई नहीं, पर नहीं निमटी, बाद ऐसे नालायक मनबूस हैं कि उनकी सजा कब्र में नहीं निमटेगी, तो फिर आगे है मैदान हश्र है कयामत के दिन में। कयामत का जो दिन है इसमें लोग इसी जमीन पर इकट्ठा होंगे, मैदान हश्र है, और वो इस दुनिया का लास्ट डे है, आखिरी दिन है, और वो आखिरी दिन 50,000 ईयर का है, वो एक दिन कयामत का जो दिन है यौमुल आखिर, ये कयामत का अकेला एक दिन 50,000 ईयर का है,
यानी 50,000 ईयर के बराबर होगा, क्योंकि ईयर साल बनते हैं, तुलु गुरु से दिन बनते हैं, हफ्ते बनते हैं, महीने बनते हैं, फिर साल बनते हैं। उस वक्त तो सूरज का तुलु गुरूप नहीं होगा, वो मगरिब से निकलेगा सर पर आएगा, फिर मगरिब में, फिर मगरिब से निकला सर पर आया, फिर मगरिब में, तो डे एंड नाइट बनेंगे ही नहीं। इसलिए साल बनने का कोई सवाल नहीं, मिकदार। जैसे जन्नत में एक हफ्ते की मिकदार में अल्लाह का दीदार नसीब होगा, जलवा देखने को मिलेगा। जन्नत में हफ्ता तो वीक तो है, दुनिया में जो वीक है उसके बकद्र। दुनिया में तो कंटिन्यूस एक ही हालत चलेगी, जैसे सूरज तुलु होने से पहले हालत होती है, इसी यही हालत चलेगी। फिर एक पर वीक हफ्ते में क्या मतलब, दुनिया के एतबार से हफ्ते की मिकदार। इसी तरीके पर कयामत का जो दिन है उसमें डे एंड नाइट नहीं है, फिर वो दिन आज के दिनों से क्या मिकदार है, सूर्य मआरिज में है। फी यौमिन काना मिकदारू 50,000 सना, फसबीर सबरन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, यौम तकूनु समाउ कल मुहल तकून जीवाल कभी। सूर्य मारिज में है तो वो इस दुनिया का जो लास्ट डे है, जो कयामत का दिन है, वो कयामत का दिन 50,000 ईयर का है। उस दिन में सजा होगी, ये तीसरा मौत दिन है। दुनिया में सजा, कब्र में सजा, मैदान हश्र में सजा। हदीस में है कि जिसने ऊंटों की ज़कात नहीं दी उसको लिटाया जाएगा मैदान हश्र में, और उसके ऊंट जो ज्यादा से ज्यादा मोटे ताजे दुनिया में हुए होंगे, ऐसे मोटे ताजे होकर ऊंट आएंगे कतार में लाइन बनाकर, और एक ऊंट उसके ऊपर से गुजरेगा रौनता हुआ, सिंग मारता हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब आखिरी ऊंट गुजरेगा तो पहला ऊंट लाइन में आ गया है, आखिरी ऊंट गुजरा तो फिर पहला ऊंट गुजरेगा। यही सजा उसे मैदान कयामत में पूरे दिन में होती रहे। अल्लाह महफूज नामिन को अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। फिर भी अगर सजा बाकी रह गई तो चौथा मौतिन है जहन्नम। मोमिनीन को भी जहन्नम में जाना है अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए। ये चार जगहें हैं यहां सजाएं मिलती हैं। बस जिसने जिसके अकायद सही हैं, मुस्बत पहलू से फराइज पर मजबूती से अमल है, मनफी पहलू से कवायद पर मजबूत अमल है, तो दूसरी जो कोताहियां हैं वो कोताहियां तो इसी तरह, ऐसे कवायद 7 कबीरे हैं तबाह करने वाले, उनके अलावा कबीरे छोटे कबीरे, वो भी कबीरे हैं मगर छोटे कबीरे, जैसे जीना, जीना कबीरा, और जीना के जराए ये भी कबीरा है मगर छोटे, अजनबी औरत को देखना, अजनबी औरत से बात करना, अजनबी औरत के बाय हुस्न जमाल में थिंकिंग सोचना वगैरह वगैरह, सोर्सेस मिलाना, ताल्लुकात कायम करना, बढ़ना, ये सब कबीरा है मगर छोटे कबीरा है। जीना बड़ा कबीरा है, जीना उन 7 में है जो दवा करने वाले हैं, और इसकी जो ये दवाई, अगर किसी ने दवाई का इंतकाब किया मगर जीना नहीं किया, तो ये दवाई का जो इंतकाब किया है उसकी सजा मिलेगी। ये 4 मवातिन में सजा मिल जाएगी। बहरहाल जन्नत में जो खूले अव्वली 3 चीजों पर मदार है, अहलु सुन्ना वल जमात के अकीदे हो, मौजूदियों वाले अकीदे न हो, गैर मुकल्लिदों वाले अकीदे न हो, अहले कुरान वाले अकीदे न हो, और पता नहीं क्या क्या मुसलमानों में फिरते हैं, शिया और कादियानी तो आउट है, लाइन से आउट है,
लेकिन जो लाइन के अंदर हैं मुसलमान फिरते हैं उनके जैसे भी अति देना हो अहले सुन्ना वल जमा से अति दो और मुस्बत पहलू से फराइज, मैंने कहा फराइज बहुत थोड़े हैं, फराइज तो मजबूती से हो और कबाइर वो भी बहुत थोड़े हैं, इतना तो सब अलमू बेकार साथ तबाह करने वाले कबीरों से बचो और वक्त ये छोटे कबीर हैं, बस जो इनसे बचता है उसे रुकूल अव्वली नसीब होगा, जो इनसे नहीं बचेगा तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है आखिर में जहन्नम तक जाना पड़े और जहन्नम में सजा भुगत करके बाहर निकले। खैर मजमून में ये जो समझा रहा था कि शरीयत नाम फराइज वाजिबात सुनन मुअक्कदा मुस्तहबात मंदूबात और आदाब, इनमें अगर कोताही है तो ये तफसीलात है। बहरहाल इस्तिकामत नाम है कमा उम्र का, जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है, हुजूर से कहा गया कि जैसा आपको हुक्म दिया गया है ऐसा सीधे रहिए, सीधे चलिए, उसी पाथ पर रहिए जिस पाथ पर रहने का आपको हुक्म दिया गया है, पूरी शरीयत पर अमल कीजिए, इसी का नाम इस्तिकामत है। अब जाहिर है अल्लाह का नबी पूरी शरीयत पर अमल करेगा तो आदाब तक पर अमल करेगा, इतना जुज रशी के साथ छोटी छोटी बातों का ख्याल करके अमल करना बड़ा भारी होता है। हुजूर ने फरमाया सूर्य हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, यानी सूर्य हूद में जो रियायत है बस तकीम करना होगी तो उसने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो ये भाई जो हैं इन्होंने तो लफ्ज इस्तिकामत सुना है कहीं, मगर इनको पता होता बेचारों को नहीं है, तो पूछते हैं कि इस्तिकामत क्या है और उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। बुखारी शरीफ में अबू जिनाद एक बड़े ताबी हैं, उन्होंने कहा तक्वा बहुत आसान है, अल्लाह ने जो काम जिन कामों से मना किया छोड़ दो, तकवा परहेज़गार कि तकवा क्या है, अरे तकवा किसी हाथी का नाम नहीं है, अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है हराम से लेकर मकरूह तहरीमी तक सब काम से बच जाओ छोड़ दो, ये तकवा है। ऐसे इस्तिकामत भी बहुत आसान है कि जिन कामों का कुरान और हदीस में हुक्म दिया है उस अमल पैदा करो, इस्तिकामत है। और कोताही हो जाए तो मैंने तफसील समझाई और उसको कैसे हासिल किया जाता है, किया जा सकता है, ये कोई तिजारती माल नहीं है कि मैं जाओ फलां दुकान पर जाओ वहां से मिल जाएगा इस्तिकामत मिल जाएगी, जाओ ले आओ इतने डॉलर में, कैसे हासिल किया जाता है, भाई शरीर पर अमल करो इस्तिकामत इसी का नाम है। हक्कुल यकीन क्या है, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, यह उसका तरीकेकार क्या है हासिल करने का, दो दर्जे हैं इल्मुल यकीन और हक्कुल यकीन। ऐनुल यकीन में को मैं अलग दर्जा नहीं मानता, किताबों में तीन दर्जे किए हैं इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन हक्कुल यकीन, तीन दर्जे किए हैं। मैंने तो फतुल खारी में एक जगह लिखा है कि ये कोई दर्जा नहीं है, दो ही दर्जे हैं इल्मुल यकीन हक्कुल यकीन। किसी ऐसे आदमी ने हमें बात बताई जो 100% सच्चा है, उसके झूठा होने का कोई इहतमाल ही नहीं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया कि फरिश्ते हैं हमने नहीं देखे, फरिश्ते हैं ये हमने मान लिया, ये इल्मुल यकीन है यानी यकीनी इल्म है, इल्मुल यकीन का मतलब यकीनी इल्म है, जब अल्लाह के रसूल ने बताया उनको हमने मुखबिर साबित माना और हमने उनकी उन्होंने बताया कि फरिश्ते अल्लाह के एक मखलूक हैं, हमने मान लिया, ये इल्मुल यकीन हुआ। फिर मौत के करीब में
फरिश्ते हमारे पास आ गए रूह कब्ज करने के लिए। अब हमने खुद फरिश्तों को देख लिया, अब ये है हक्कुल यकीन, ये है ऐनुल यकीन, ये आंख से देख लिया, ये जो आंख से देख लिया फरिश्तों को, अब उसकी जरूरत नहीं रही। ये हुजूर ने बतलाया था उसकी जरूरत नहीं, जब तो आंख से देख रहे हैं हम फरिश्तों को। इसका नाम हक्कुल यकीन है, ऐनुल यकीन है। ये पूछता है कि हक्कुल यकीन क्या है, मैंने बतलाया कि गैब की वो बातें जो अल्लाह के रसूल ने बतलाई हैं, और हम चूंकि उनको अल्लाह का रसूल मानते हैं, उनको मुखबिर साबित मानते हैं, सच्चा मानते हैं, और उन्होंने बतलाई तो हमने वो बातें मान ली, ये इल्मुल यकीन। फिर जब हम वो बातें आंख से देख लेंगे तो यही हक्कुल यकीन है और यही ऐनुल यकीन है, और ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। फरिश्ते हैं मानते हैं, अजाब कब्र है, हमें इल्मुल यकीन हासिल है, लेकिन हम देखना चाहें अजाब कब्र तो देख नहीं सकते, फरिश्तों को देखना चाहें देख नहीं सकते। अल्लाह बिल यकीन है, मुखबिर सादिक ने हमें बताया है, मगर हम अल्लाह को देख नहीं सकते। अल्लाह की तमाम सिफात, जिलाना मारना, हमारा यकीन है कि अल्लाह जिलाते हैं मारते हैं, मगर हम उसे देख नहीं सकते। बहरहाल इल्मुल यकीन यानी यकीनी तौर पर कोई बात जानना, कौन सी बात, गैब की बात है। उमूर गैब को यकीनी तौर पर जानना इल्मुल यकीन है, फिर उसे आंखों से देख लेना, यही ऐनुल यकीन है, यही हक्कुल यकीन है। मगर इल्मुल यकीन तो हमारे बस में है, अल्लाह के रसूल ने बातें बतलाई हमने मान ली, लेकिन हक्कुल यकीन और ये ऐनुल यकीन हमारे बस में नहीं। वो जब अल्लाह दिखलाएंगे तब दिखलाएंगे। जैसे फरिश्ते हम देख सकते हैं, लेकिन कब देखते हैं, जब सकरात शुरू हो जाती है, गरगरा लग जाता है, अब फरिश्ते नजर आने लगते हैं, और अब ईमान गैर मुफीद, अब ईमान लाने का कोई फायदा नहीं। फिरौन भी जब डूबने लगा, पानी मुंह में आए घुसने लगा, तो कहता आमन तो दिमाग नजरी बनू इसराइल, मैं बनू इसराइल के खुदा पर ईमान लाता हूं, तो जवाब आया आल आम अब फकत असही का कबूल, पहले तो कम वक्त नाफरमान था, अब ईमान लाता है, अब क्या होवत है, चिड़िया चुग गई खेत, क्या होवत है, क्या होगा जब चिड़िया खेत, तो खेत गेहूं का बोला था, चिड़ियाएं आई और पूरा खेत चुग गई, एक दाना भी नहीं रहा, अब जाकर के चिड़िया उड़ा रहा। उसने कहा अब क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो एक दाना भी खेत में रहा नहीं, अब चिड़िया उड़ाने से क्या फायदा। तो फिरौन से भी कहा अलान आन अलान वकर असे तकम लोकुन तमिनल काफिरिन। बहरहाल मुझे तो ये बतलाना है कि जब फरिश्ते नजर आते हैं, मगर सकरात के वक्त नजर आते हैं, और उसको ईमान लाना मुफीद नहीं होता। उसके अलावा भी फरिश्ते हम नजर आ सकते हैं, मगर अपने असली रूप में नजर नहीं आएंगे, तय करे महसूस में नजर आएंगे, तय करके माने सूरत, सूरत मान महसूस मान नजर आने वाली, कोई नजर आने वाली सूरत में फरिश्ता नजर आएगा, अपने असली सूरत में नहीं। अपनी असली सूरत में हुजूर को भी पूरी जिंदगी में 23 साल में 2 मरतबा हजरत जिब्राइल अपनी असली शक्ल में नजर आए हैं, बाकी तय करे महसूस में आएंगे। जब अहजाब से वापस आए और हजरत उम्मे सलमा के यहां हुजूर कमरे में थे और हथियार उतार रहे थे और नहाने की तैयारी कर रहे थे,
हजरत जिब्राइल घोड़े पर आए और उन्होंने हुजूर से बात की कि या रसूलल्लाह आपने हथियार उतार दिए, अरे हमने तो हथियार उतारे नहीं, घोड़े पर से भी नहीं जिन्हें उतरे। तो हुजूर ने पूछा अल्लाह का क्या हुक्म है, तो उन्होंने बनू कुरैज़ा की तरफ इशारा किया और चले गए। उनके जाने के बाद हुजूर ने हजरत उम्मे सलमा से पूछा, उम्मे सलमा ये जो कोई साहब आए थे जिनसे मैंने मेरी बातें हुई तुमने देखा उनको बातें सुनी? उम्मे सलमा ने कहा या रसूलल्लाह सुनी। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ख्याल में कौन था? तो उम्मे सलमा ने कहा दहिया कल्बी, हालांकि हजरत जिब्रील थे मगर उम्मे सलमा ने कहा दहिया कल्बी थी। हुजूर खामोश रहे। फिर हुजूर मस्जिद में तशरीफ ले गए और जाकर फौरन सहाबा को हुक्म दिया कि अभी मेरे पास जिब्रेल आए थे, उन्होंने हुक्म दिया बनू कुरैज़ा पर चढ़ाई करो। ये उम्मे सलमा ने घर में सुना तब समझी कि जिब्रेल आए थे, मनु तो दहिया कल भी समझ रही थी। या जैसे हदीस जिब्रेल में एक मरतबा हुजूर सहाबा के दरमियान में बैठे थे और एक नौजवान आदमी काले बाल सफेद कपड़े साफ सुथरा जैसे कि बीमास में से हम्माम में से बाथरूम में से अभी नहाकर निकल रहा है आकर सब चीरता चीरता हुजूर के करीब बैठकर उसने चंद सवाल किए, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, कयामत कब आएगी, कयामत की निशानियां क्या है। तो कोई साहबी वो समझे कोई आदमी, मगर उनको हैरत हुई कि ये बंदा अगर मदीना का है तो हमने से कोई इसको पहचानता क्यों नहीं। आज तो न्यूयॉर्क जितना बड़ा शहर हो किसी को कोई न पहचाने तो हो सकता। पुराने जमाने में तो टाउन, आजकल जो टाउन होते हैं कस्बात होते हैं या बड़ा गांव, इतना ही मदीना था और हर आदमी का डोर अंदर से लॉक नहीं था, हर एक का डोर खुला था, नेबर को पहचानता था। तुम्हारे मुल्क में तो कोई नेबर को नहीं पहचानता, मर जाए तो अभी नहीं पहचानता क्योंकि हर डोर अंदर से लॉक है। हमारे एशिया में आओ हर डोर खुला है और जब हम घर से चलते हैं तो किसी को कुछ कहकर नहीं चलते, इस उम्मीद पर चलते हैं कि घर कोई मामला पेश आए तो महल संभाल लेगा। महल्ले वालों से हम कुछ नहीं कहते मगर ये उम्मीद है कि घर में खुदा न खास्ता कोई बात की जाए तो महल संभाल लेगा। इसलिए एशिया में आओ, यहां यूरोप और अमेरिका में मिसाल नहीं समझ में आए, एशिया में कस्बा टाउन हो तो उसके हर आदमी को हर कोई जानता है। तो सहाबा हैरत में कि कौन बंदा आया, वो सवाल करके चला गया और ये भी कहकर गया कि आपने जवाब सही दिए। हुजूर ने जवाब दिए तो उसने कहा कि आपने जवाब सही दिए। लोगों को हैरत हैरत कि भाई अगर अनजाना है तो कैसे कह रहा है जवाब सही दिए, और जानता है तो कौन है, हम नहीं जानते ये कौन है। अबू बकर उमर बैठे हुए हैं वो नहीं जानते ये बंदा कौन है जो जानता। उनके जाने के बाद लबिस्तो मलियन, हजरत उमर कहते हैं मैं बहुत देर ठहरा रहा, कितनी देर मालूम नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया उस आदमी को बुला के लाओ जो गया, गए तो है ही वापस आया असुल्ला तो है देखो, इधर भागे इधर भागे इधर भागे देखो है ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया जानते हो कौन थे? वो जिब्रेल थे, वो आए थे, उन्होंने ऐसे सवाल किए जिनके मैंने जवाब दिए, वो जवाब तुम महफूज कर लो तो सारे दीन का खुलासा तुम्हारे कब्जे में आ जाए, तुम्हें दीन सिखलाने के लिए वो आए। मैं तो ये मिसाल पेश करना चाहता हूं कि फरिश्तों को हम देख सकते हैं लेकिन पहले महसूस में देखेंगे, असली शक्ल में नहीं देखेंगे। असली शक्ल में सकरात होंगे तब देखेंगे, अब देखने से कोई फायदा नहीं। इसी तरह मैंने कहा अजाब कब्र, जानते हैं हक
عین علم الیقین, پکا ہمیں یقین ہے, اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. میرے بھائیوں, قبر مٹی کے گڑھے ہی کا نام نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. قبر یہ مٹی کا کھڈا ہے جس میں ہم میت کو رکھتے ہیں. اس مٹی کے گڑھے ہی کا نام قبر نہیں ہے. قبر نام ہے ایک ورلڈ کا, اور وہ ورلڈ دنیا ہے ہماری اس دنیا اور آخرت کے بیچ میں. اور وہ ورلڈ ہماری اس دنیا کا سپلیمنٹری ہے, زمینہ ہے. لہذا مر کر کے بھی کوئی آدمی دنیا سے نہیں نکلتا. مر کر آدمی عالم قبر میں پہنچتا ہے, قبر کی دنیا میں پہنچتا ہے, مگر رہتا اسی دنیا میں ہے, اس دنیا سے باہر نہیں نکلتا. تو قبر لوگ عوام کو سمجھانے کے لیے قبر لفظ استعمال کی, بہت سے آدمی جلا دیے جاتے ہیں, بہت سے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں, بہت سو کی ممی کر کے میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ سب عالم قبر میں پہنچ گئے, اور یہ جو کھا گیا یہ تو لاش کو کھا گیا, باڈی کو درندہ کھا گیا, مچھلیاں کھا گئی, اور یہ جو میوزیم میں رکھا ہے تو باڈی رکھی ہے. باڈی کا نام انسان نہیں ہے, انسان نام روح کا ہے, اور روح پاس ہوئے انتقال ہو گیا, گزر گئی. کہاں پہنچی؟ قبر. قبر نام ہے ورلڈ کا, ایک ورلڈ کا. جو قبر کے کھڈے ہی کا نام نہیں ہے تو سمجھانے کی تعبیر ہے. قبر نام ہے ایک عالم ہے, قبر ہے ایک ورلڈ کا نام ہے, اور وہ مستقل ورلڈ نہیں ہے. جیسے اخبار آتا ہے اس کے ساتھ 8 صفحے کا سپلیمنٹری زمین آتا ہے, تو وہ اسی کا حصہ ہے. اسی طرح سے ہماری اسی دنیا کا سپلیمنٹری ورلڈ ہے عالم قبر. تو جو مرتا ہے اس کی روحیں وہاں پہنچتی, عالم قبر میں پہنچتی. عالم قبر میں عذاب ہوتا ہے. بات بھائیوں کے تو مٹی کے گھڑے میں لاش تو مٹی ہو گئے, پھر لاش کا نام انسان ہے ہی نہیں. انسان تو روح کا نام ہے, مگر اس روح کا تعلق اس لاش کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ لاش مٹی ہو کر ختم ہو کر ریزا ہو جائے, مگر اس مٹی کے اجزاء کے ساتھ روح کا تعلق ہے. کیسے معلوم ہو؟ دیکھو ٹیلی فون 3 قسم کے, TCO جس کا سرکل اپنا مقام بستی ہوتا ہے, STB اس کا سرکل پورا ملک ہوتا ہے, ISD اس کا سرکل پوری دنیا ہوتی ہے. اب آپ یہاں ٹیلی فون پر نمبر ڈائل کرتے ہیں تو دلی میں ایک خاص گھر میں گھنٹی بجنے لگتی ہے. کیسے بجنے لگتی ہے؟ یہاں ایکسچینج مشین ہے, اس مشین کے ساتھ پوری دنیا کے ٹیلی فونوں کا تعلق ہے. اس وجہ سے جب ہم کرتے ہیں تو دلی میں ٹیلی فون بجتا ہے. اگر STD ہے دلی میں نہیں بجتا. ہمارے یہاں تو اگر ایسا ڈائل کرو تو جواب آئے گا, آپ کے ٹیلی فون پر یہ فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے. بہرحال یہ جو ٹیلی فونوں کا کنیکشن ہے, تعلق ہے, یہ تقدیری تعلق ہے. یہ تقدیری تعلق جب آپ ڈائل کریں تو حقیقی تعلق بن جاتا ہے اور گھنٹی بجنے لگتی ہے. اگر تقدیری تعلق ہے تو حقیقی تعلق قائم ہوگا, گھنٹی بجے گی ورنہ نہیں بجے گی. موٹی سی مثال ہے. اب میرے بھائیو سن, جب قیامت کے دن بارش ہوگی سب چیز ختم ہو جائے گی, پھر بارش ہوگی اور تمام باڈیاں زمین میں سے اگیں گی اور نکل کر تیار ہو گئے, سب اجسام تیار ہو گئے. اب پھر سر پھونکا جائے گا اور عالم قبر میں جہاں سب روحیں ہیں وہ سب روحیں ریوس آئیں گی, معاد
ये महालब्ध आलम है कब्र में से रूहें रिवर्स आएंगी मालूम हो वो इसी दुनिया में है। अब बतलाओ हर रूह आकर अपने ही बॉडी में दाखिल होगी या जो पहला कमरा खाली मिला उसी में घुस जाएगा। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, अपने ही बॉडी में जाएगी, दूसरे की बॉडी दूसरी बॉडी में थोड़ी घुस जाएगी। सवाल है को अपनी बॉडी को पहचानती कैसे? इस तरह पहचानती है कि मरने के बाद भी रूह का बदन के अज्जा के साथ तकदीरी ताल्लुक है रहा है, इसलिए आज ये तहकीकी ताल्लुक होगा। तहकीकी ताल्लुक फरा है तकदीरी ताल्लुक की। बहरहाल राब कब्र बरहक है, मगर इल्मुल यकीन है। हकुल यकीन कब आएगा? अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए, खुदा न खास्ता कोई शख्स अजाब कब्र में मुब्तला हुआ तो अब उसको ऐनुल यकीन और हकुल यकीन हासिल हो जाएगा कि ये है अजाब कब्र। तिर्मिज़ी शरीफ में एक रिवायत है कि हमें अजाब कब्र के बारे में इल्म नहीं था, जब सूरह तकासुर नाजिल हुई तो हमें इल्म यकीन हासिल हो गया कि मरने के बाद कब्र में भी अजाब होना। सूरह तकासुर में क्या है? अल्हाकुम तकासुर, गाफिल कर दिया तुमको कंपटीशन ने, जो रेस मुकाबले मुनाफसत हैं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे, ये जो कंपटीशन है तकासुर एक दूसरे से माल औलाद इज्जत आबरू वगैरह में बहुतात आगे बढ़ने का जो जज्बा है, इसने तुमको दीन से गाफिल किया। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये गफलत कहां तक रहेगी? जब कब्र में तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा वहां तक ये गफलत। एक तफसीर है लोगों ने की है कि कब्रस्तान जनाजा लेकर दफन करने गए वहां भी दुनिया की बातें कर रहे हैं, ये है एक तफसीर। तो पानी भी तकसीम करने लग गए, पहले तो कुछ और तकसीम करते थे, पानी भी तकसीम करने लग गए। कर लो अभी 15 मिनट हैं। ये तकासुर है, माल औलाद इज्जत आबरू ओहदा ये वो उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने का तनाफुस रेस, ये जो है इसने तुम्हें दिन से गाफिल किया। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रस्तानों की कब्रों की जियारत की, यानी तुम्हें ले जाकर तुम्हारी लाश को कब्रों में रख दिया। और ये तफसीर के कब्रस्तान में जाते हैं तो बातें करते हैं ये तफसीर की है, लेकिन ये आयत की सही तफसीर नहीं है। सही तफसीर ये है जो हजरत अली की रिवायत में है और वो रिवायत तिर्मिज़ी में है। फिर कुरान ने कहा कल्ला सौफ तालमून सुम कल्ला सौफ तालमून, तुम जो अजाब कब्र का इनकार करते थे वो इनकार मुना तुम्हारा ठीक नहीं है, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा अजाब कब्र का। फिर कहते हैं हरगिज तुम्हारा अजाब कब्र का इनकार करना मुनासिब नहीं है, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा अजाब कब्र का। हजरत अली फरमाते हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हमें अजाब कब्र का इल्म हुआ, इससे पहले हम नहीं जानते थे कि कब्र में भी अजाब होता है। हदीस बुखारी में हदीस है, एक यहूदी औरत मांगने के लिए हजरत आयशा के दरवाजे पर खड़ी हुई, हजरत आयशा ने कुछ दिया तो उसने दुआ दी कि अल्लाह आपको अजाब कब्र से बचाए। उस यहूदिया ने दुआ दी, जब साहिल को कोई चीज देते हैं तो दुआ देता है, उसने दुआ दी तो हजरत आयशा को हैरत हुई
कि कब्र में भी अजाब होगा। वह हजरत आयशा नहीं जानती अभी, हुजूर तशरीफ लाए तो उन्होंने हुजूर से जिक्र किया कि या रसूलुल्लाह आज एक यहूदिया मांगने आई थी, मैंने दिया तो उसने मुझे ये दुआ दी तो क्या कब्र में अजाब होगा। तो हुजूर ने फरमाया आइज़म बिल्लाह मिन अजाब अल-क़ब्र, मैं अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। दुआ भी हो गई और हजरत आयशा को मसला भी बता दिया। फिर उसके बाद चंद दिन के बाद सूरज ग्रहण हुआ, तो सूरज ग्रहण की जब नमाज पढ़ाई तो उसके बाद जो हुजूर ने छोटा सा खुतबा दिया उसमें खास तौर पर अजाब कब्र से पनाह चाहिए, क्योंकि जब हुजूर के घर वालों को पता नहीं तो दूसरे सालों को कहां से इल्म हो। बहरहाल ये अजाब कब्र हम जानते हैं, ये सूरत पढ़ते हैं, हमें इल्मुल यकीन हासिल है, लेकिन हक्कुल यकीन कब हासिल होगा, ऐनुल यकीन कब हासिल होगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कब्र में हमारा अजाब कब्र से साबका पड़े तब हक्कुल यकीन हासिल हो। बहरहाल ये भाई पूछता है कि हक्कुल यकीन क्या है। मैंने बतलाया कि मुखबिर सादिक की खबर से किसी हकीकत को, किसी मैटर को जानने का नाम इल्मुल यकीन है। फिर उसी मैटर और उसी हकीकत को आप आंखों से देख लें तो उसका नाम हक्कुल यकीन है। इल्मुल यकीन बतलाने से हासिल होगा, अगर अल्लाह का रसूल बतलाए तो हमें इल्मुल यकीन हासिल होगा, और जो बातें आखिरत की अल्लाह के रसूल ने नहीं बतलाई हम नहीं जानते। और हक्कुल यकीन देखने ही से हासिल होगा, बतलाने से हासिल नहीं होता, देखने ही से हासिल होता है, मगर ये देखना इख्तियारी नहीं, जब अल्लाह चाहें तो देख सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने अल्लाह का वजूद की अल्लाह हैं ये तो अल्लाह बना हुआ था, हकीकी अल्लाह हैं उसकी दलील पेश की थी कि वो मारते हैं जिलाते हैं, तो उस कोर मर्द ने कहा कि मैं भी मारता हूं जिलाता हूं, कि फांसी को मुझे वादा कर दिए, एक बेगुनाह को कसल के कत्ल कर दिए, लो मैंने मार जिला। और इस कोर मर्द को क्या समझाएं कि मारना जिलाना क्या है। हजरत इब्राहिम ने दूसरी दलील पेश की कि मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल, तो वो भी तल्ल दी कपर भक्का बक्का रह गया। हमारा तालिब इलम कहता है अगर नमरूद ये कह सकता था कि रोजाना सूरज मशरिक से मैं निकालता हूं, इब्राहिम तू अपने रब से कह के मगरिब से निकाल, वो ये जवाब दे सकता, तो मैं हम कहते हैं कि नमरूद तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं था। नमरूद को यकीन था कि ये अल्लाह का सच्चा बंदा है, नबी, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये तो दो हाथ उठाएगा, या अल्लाह कल मगरिब से सूरज निकलेगा फिर क्या करेगा। खुद यकीन था कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो फट से दुआ करेगा कल को मगरिब से निकलेगा, इसलिए वो इतना बेवकूफ नहीं था जितना तुम समझ रहे हो, इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा। बहरहाल दूसरा दलील पेश की, उसका कोई जवाब नहीं दे सका, जब ये किस्सा खत्म हो गया तो अल्लाह ताला दो एग्जाम पर लाए, औ कल्लबी मर रहा है, क्या अंदाज है, एहिया ओ इमातता ये है या ये है। नमरूद ने जो मारना जिलाना करके लिखा है इसका नाम मारना जिलाना है, औ कल्लबी मर रहा अला करियत, फिर मारने जिलाने की मिसाल दी। फिर दूसरी मिसाल पेश की, हजरत इब्राहिम जिनका ये वाकया है उनको अल्लाह की सिफत का यकीन है, इल्मुल यकीन हासिल है, जब भी तो दलील पेश की, आपने देखा तो नहीं, हक्कुल यकीन तो नहीं, ऐनुल यकीन तो नहीं, तो उन्होंने दरखास्त की रब्बे अरिनी कैफ तुहयी अल-मौता, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दिखलाइए आप कैसे मुर्दों को जिंदा करेंगे, जिंदों को मारेंगे कैसे, तो हम देख रहे हैं आज इस घर से जनाजा उठा, कल उस घर से जनाजा उठा, कल उस घर से जनाजा उठा,
जिंदे मरते कैसे हो तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। मुर्दी गवाह करते मर गई, जिंदे को अल्लाह मारते हैं तो आंखों से देखते हैं, लेकिन मरते वो जिंदा कैसे करती है मुझे दिखलाई। अरे इन कई फतो हील मौत। तो अल्लाह ने पूछा अवलम तू मिन, तुम्हारा ईमान नहीं है? अला भला क्यों नहीं? ये ईमान है इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन नहीं का नाम ईमान है, मतलूब इल्मुल यकीन है। यकीन से जान लो, देखना मतलूब नहीं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा क्यों नहीं, पक्का यकीन है, मगर मैं आंखों से देखना चाहता हूं ताकि दिल मुतमईन हो जाए। तो अल्लाह ने उनको सभी का बतलाया कि इस तरह चार परिंदे करो, इस तरह करो, ये करो, उनको मुर्दे जिंदा कैसे उनको दिखलाया। ये दलील है कि आप हक्कुल यकीन को देख नहीं सकते, ऐनुल यकीन को देख नहीं सकते, इल्मुल यकीन का नाम ईमान है, उसी तक रहना है। फिर जब अल्लाह चाहेंगे तो हक्कुल यकीन भी हासिल हो जाएगा, ऐनुल यकीन भी हासिल हो जाएगा। वास्तव दावाना अलहम्दुलिल्लाह।